भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत तेज हो गई है। पीओके से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होने वाले संकेत दे रही हैं। दरअसल पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने के लिए पीओके की जनता सड़कों पर आ चुकी है। अंधाधुन महंगाई और पाकिस्तानी रेंजर्स के जुल्म के खिलाफ पीओके की जनता खुलकर आवाज बुलंद कर रही है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉप्स और रेंजर सेना की नामबंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुजफ्फराबाद में बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामला इतना गर्म हो गया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो गुस्साई भीड़ ने पाकिस्तानी जवानों को ही पीट दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रेंजर्स की गाड़ी में भी लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। लेकिन आखिर पीओके की जनता में इतना आक्रोश क्यों आ गया है? आइए आपको बताते हैं कि ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर रोजमर्रा की चीजें काफी महंगी हो गई हैं। दरअसल प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पीओके में रोजमर्रा की चीजें काफी महंगी हो गई हैं, और वहीं इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। पीओके के लोगों का प्रोटेस्ट इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान पीओके के प्राकृतिक संसाधनों को पड़ोसी देश चीन को बेच रहा है। इसका उदाहरण है पाकिस्तान का सीपेक कॉरिडोर। पाकिस्तान बलूचिस्तान से लेकर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान तक के इलाके चीन के पास गिरवी रख चुका है। इसी कड़ी में अब चीन पीओके में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का फेज 2 लॉन्च करने जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल चीन के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने चीनी विदेश मंत्रालय के वाइस मिनिस्टर सुन विंदोंग से मुलाकात की। दरअसल पाकिस्तान को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, इसी वजह से पीओके का हिस्सा चीन को बेचकर पाकिस्तान पैसा जुटाना चाहता है। ये बात पीओके की जनता बाखूबी जानती है, इसलिए वहाँ बगावत की आवाज उठ रही है। पीओके का यही गुस्सा पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।